हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मम्मा फूड कॉर्नर में। आज हम बनाएंगे साबूदाने की खिचड़ी। ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी है और बिल्कुल झटपट 15 मिनट के अंदर ही ये बनकर रेडी हो जाती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताइए। आइए हम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी साबूदाने को धो के अच्छे से भिगो दिया था थोड़ा ज़्यादा पानी में। ये देखिए अच्छे से फूल गया है हमारा साबूदाना। अब हम एक कढ़ाई में करीब 4 टेबल स्पून ऑयल गरम करके उसमें 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे और 1/4 टीस्पून ही राई दाने डालेंगे और करीब 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा जीरा डालेंगे और इसे करीब 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से क्रैकल होने देंगे। और अब इसमें मैंने यहाँ पे 2 बड़ी प्याज और करीब 8 से 10 हरी मिर्च ली है। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो उसमें प्याज न डालें। और हरी मिर्च भी यहाँ पर ये फीकी है इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है। अगर आपके पास तीखी है तो आप उस हिसाब से थोड़ी कम कर सकते हैं, या आप कम तीखा खाते हैं तो कम मिर्च डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से ब्राउन होने तक के फ्राई करेंगे प्याज और हरी मिर्च को। ये देखिए हमारी प्याज और हरी मिर्च अच्छे से फ्राई हो रही है। उसी में हम 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और करीब 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या आप अपने स्वाद के हिसाब से भी नमक डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे नमक और हल्दी को। और यहाँ पे मैंने 1/2 कटोरी मूंगफली के दाने धोकर अच्छे से इसमें मिक्स कर दिए हैं। इसे भी हम करीब 1 से 2 मिनट के लिए इसे ही चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, जिससे कि दाने बिल्कुल अच्छे से पक जाए, इसका फ्लेवर बिल्कुल बढ़िया हमारी खिचड़ी में आ जाए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने करीब 2 बड़े आकार के आलू लिए थे और उसे छील के अच्छे से ऐसे पतले स्लाइस में काट लिया है। ये कच्चे ही आलू है, इसे हमें अलग से कोई उबालने की ज़रूरत नहीं है, इसी में ये पक जाएंगे अच्छे से। अब इसे भी हम अच्छे से प्याज और मूँगफली के दाने के साथ आलुओं को मिक्स कर लेंगे और इसे करीब मीडियम लो फ्लेम पर हम 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे, जिससे कि आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम को लो ही रखें। ये देखिए 2 मिनट में ही हमारे जो है आलू एकदम बढ़िया से गल चुके हैं। अब इसमें हम जो हमारे साबूदाने हैं भीगे हुए वो ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से हल्के हाथ से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे फिर हम। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगती है और झटपट बन जाती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए अच्छे से अब इसे मिक्स कर लेंगे हम और इसमें फिर अपने पसंद के हिसाब से हरा धनिया हम 2-3 टेबल स्पून काट के अच्छे से डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे। और हम सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए और इसे ढक के पकाएंगे, जिससे कि जो हमारे साबूदाने हैं ये पूरा अच्छे से सब चीज़ों का फ्लेवर भी पकड़ ले और हल्के से और पक भी जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे 2 मिनट के लिए बस और पकाना है और बिल्कुल रेडी है हमारे साबूदाने की खिचड़ी। अब इसमें आप गर्मा गर्म खिचड़ी में नींबू निचोड़िए और इन्जॉय कीजिए। और फ्रेंड्स, हमेशा खुश रहिए। थैंक यू।